नमस्कार दोस्तों, मैं सदर सैफी, आप देख रहे हैं सैफी ब्लॉग का ये खास बुलेटिन। आज हम हैं उत्तराखंड के नाना माता में, जो उत्तराखंड में नाना माता एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये उत्तराखंड का नाना माता डैम है, जहाँ पर कई नदियों का मिलाप है। मिलाप के साथ साथ यहाँ से, जैसा कि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरा डैम बना हुआ है और यहाँ से उत्तराखंड से जो भी पहाड़ी पानी होता है, पहाड़ी पानी यूपी को जाता है और यूपी के अलावा उत्तराखंड में कई जगहों पर, कई नदियों में इस पानी को छोड़ा जाता है। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी हैं, यहाँ मौजूद हैं फैसल मलिक जी, और आइए उनसे कुछ यहाँ की विशेष जानकारी लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। ये उत्तराखंड का जो डैम है, क्या यहाँ पर फेमस है और यहाँ का पानी किन किन जगहों पर जाता है, थोड़ा सा जानकारी दें। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो डैम है ये एक सदियों से काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक नानक माता गुरुद्वारा भी है, वहाँ पर लोग माथा टेक कर, अगर कोई व्यक्ति जो माथा टेकने आता है और यहाँ पर अगर नहीं घूमा तो उसका सफ़र जो है वो असफल हो गया, ऐसा कहा जाता है। और ये नदियों के बारे में जो आपने पूछा, तो नदियाँ ये जो हैं, ये नदी मध्य प्रदेश तक जाती है और ये नदी सीधे नीचे जो ज़िला है तराई का, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, वहाँ से जाके जुड़ जाती है और उसके बाद में ये यूपी में चली जाती है। इसका पानी जो है वो ऊपर से आता है पहाड़ों से, जो बरसात होती है। अभी जो पानी कम देख रहे हैं आप, तो बारिश का पानी जो है वो इसलिए कम है क्योंकि बरसात जो है वो कम हुई है और यहाँ पर टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी दूर से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारी जगहों से, पूरे भारत देश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो सिखों का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहेंगे नाना माता है, यहाँ पर पूरी दुनिया से सिख समुदाय के लोग और सिख समुदाय के अलावा और अन्य लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि खूबसूरती इतनी है यहाँ पर कि लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और घूमने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डैम बना हुआ है, ये बड़ा ही बेहद खूबसूरत है। जैसा आप देखिए पीछे मेरे, ये एक झरना सा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है। लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पूरी तरीके से। बहुत ही खूबसूरत और शानदार दृश्य जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही शानदार है। तो यहाँ का मानना है कि यहाँ की नदियों का जो पहाड़ी पानी है वो यूपी में भी आता है और उत्तराखंड में भी मतलब जाता है, इसीलिए इस बांध को बनाया गया, क्या कहना है जी? बिल्कुल, ये बांध जो है, और अगर नानक सागर का बांध जो है अगर किसी ने नहीं देखा तो उसने, मुझे लगता है, भारत देश में कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने से ये बांध बना आ रहा है और पुरखों ने इसको काफ़ी संवार के रखा है। आप देख सकते हैं, ताकि आपने वीडियो में इसको दिखाया भी है कि ये जो है एक प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर हम आप हैं दोनों, जहाँ पर पुल है, पुल के दोनों साइड में एक पार्किंग दी गई है, लोग घूमने आते हैं और आप देख सकते हैं पीछे लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं और लगातार एंजॉय करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको पीछे का वो दृश्य, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊँगा कि बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ पर, जो नदियों का बड़ा अच्छा अनोखा संगम है। देखिए किस तरह से बहुत शानदार नानक सागर के नाम से ये बांध बना हुआ है उत्तराखंड में, बहुत ही शानदार दृश्य, कितना शानदार झरना। ब्रिटिश काल के समय में इस बांध का निर्माण किया गया था और ताकि किसानों की फसलों को सिंचाई दी जा सके, किसानों की फसलें जो हैं वो पानी के जो कमी है उस पानी की कमी को पूरा किया जा सके, और उसके साथ साथ बाढ़ या कोई भी ऐसा सैलाब टाइप का उसको रोकने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। नानक सर सागर के नाम से ये प्रसिद्ध जगह यहाँ पे है और यहाँ पर खूबसूरती की बात करें तो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार ने सजाया गया है, यहाँ पर लोग घूमने अक्सर आते हैं। बहुत ही शानदार बागान हैं, पार्क हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए बड़ा शानदार दृश्य जो आपको इस समय तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। ये पूरी नदियाँ जो उत्तराखंड से यूपी की तरफ जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में,
शानदार और बहुत ही अच्छा दृश्य। यहाँ का जो मौसम है, इतना शानदार मौसम है, पीछे जब देख रहे हैं आप, बहुत ही शानदार ये पूरा समंदर बना हुआ है पीछे, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत हवा चल रही है। मन को पूरी तरह से लुभाने वाली हवा, बहुत ही शानदार और ठंडी स्वच्छ हवाएं आज देखने को मिली हैं उत्तराखंड। यहाँ पे पीछे जो समंदर है, जैसा कि इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि दूर तक जहां तक निगाह जाती है वहां पर पानी ही पानी दिखाई देता है। ये नानक सागर डैम है जो पहाड़ों का पानी अपने अंदर समेट लेता है, और उसके बाद उत्तराखंड, यूपी और अन्य राज्यों को यहां से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पूरी तरह से समंदर में तब्दील हो चुका है। और उत्तराखंड सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, इसके साथ साथ इस डैम के चारों ओर इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, हरे भरे पेड़, बगीचे और फुलवाड़ियों से भरा हुआ है पूरा डैम। लगातार लोग इसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में, आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे माध्यम से कि कितना खूबसूरत बाग भी लगा हुआ है, फूल पौधे भी लगे हुए हैं, उसके साथ साथ डैम बहुत ही बेहतर और शानदार डैम है यहाँ पर, और लोग हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने लोगों के साथ में यहाँ पर एंजॉय करने, पार्टिसिपेट करने के लिए आते रहते हैं। खूबसूरत और मनमोहक दृश्य जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि दूर तक जहाँ भी निगाह जाती है आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। वैसे इस समुद्र के अंदर बोटिंग भी की भी सुविधा है, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए तो बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आने के लिए अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, और बीच में जाकर वो लोग बोटिंग कराते हैं और वो नज़ारा ही बड़ा अद्भुत होता है। हालांकि हमने बोटिंग नहीं की है, लेकिन यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, हम हैं इस समय नाना माता में, नानक डैम जो है वहाँ पे हैं इस समय। हम लोग पुल के ऊपर चल रहे हैं, और मेरे सामने एक पीछे बहुत ही शानदार दृश्य है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ पर अक्सर पर्यटक लोग आते हैं अपने परिवारों के साथ घूमते हैं। ये एक शानदार पुल है जो पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। मेरे सामने देखिए पीछे पूरा सैलाब है, पूरा समंदर है, बांध है। एक अद्भुत और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ का इस समय। हम लोग इस समय पुल के जो बांध है, बांध का जो पुल है, पुल के ऊपर ही हम लोग इस समय घूम रहे हैं, और बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम हो चुका है पूरी तरह से। यह मैं साइड से दिखाऊंगा जहाँ से पानी, जो पानी की सप्लाई होती है, पानी जाता है यूपी उत्तराखंड के लिए। शानदार दृश्य और उतना ही सुहाना मौसम हो चुका है, क्योंकि धूप पूरी तरह से बंद हो चुकी है और लगभग 5 बजे का समय है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, ठंड सी महसूस हो रही है यहाँ पे। ये उत्तराखंड के खटेमा को जो रोड जाता है, इस रोड से होकर ही निकलते हैं। देखिए ये वो जगह है जहाँ पीछे जो आप समंदर देख रहे हैं, ये नानक सर का जो नाना माता सागर है, सागर के नाम से कहलाता है। पीछे आप देखिए बड़ा दूर तक, जहाँ तक देखेंगे आप, जहाँ तक आपकी निगाह जा सकती है वहाँ तक पानी पानी नज़र आएगा आपको।
बहुत ही शानदार और अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ इस डैम पर कुछ पार्क बनाया गया है जो पर्यटकों के लिए बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर पार्क है और पार्क में बड़ा भाई शानदार पेड़, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत फूलों के पेड़ लगाए गए हैं। ये पार्क है सारा, यहाँ पर लोग अक्सर घूमने के लिए आते हैं। देखिए ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जिस तरह से इस समंदर की लहरें उठ रही हैं, दिल में एक अजीब सी ठंड सी महसूस हो रही है। यहाँ देखेंगे आप दूर तक लंबी लंबी लहरें इस समंदर के झकझोर के रख दे रही हैं और पूरी तरह से बड़ा सुंदर ही वातावरण नज़र आ रहा है। दूर तक जहाँ देखेंगे इस समंदर के इस डैम के पीछे फिर उत्तराखंड के पहाड़ चालू हो जाते हैं जो बेहद ही खूबसूरत नज़र आते हैं। मौसम साफ ना होने की वजह से वो पहाड़ अभी तस्वीरों में वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीछे जो पहाड़ का दृश्य है, नैनीताल भीमताल के जो पहाड़ हैं उनको देखने पर ही सुंदरता और बढ़ जाती है। ये यहाँ के प्रसिद्ध गुरु नानक देव जी की बावली है जो गुरु नानक देव जी के हुक्म से बावली का निर्माण हुआ था। उनके शिष्य मर्दाना जी जब गंगा नदी से वो हुक्म दिया था और पानी को लेकर आने का हुक्म था गुरु नानक देव जी का, तो उनके शिष्य जो थे वो यहाँ लाकर अपनी उन्होंने छड़ी को जो रखा था और गंगा नदी पूरी यहाँ तक आ गई थी। उसके बाद ये बावली में तब्दील हो गया। यहाँ पर लोग आस्था का प्रतीक है क्योंकि यहाँ पर जो भी आस्था से जुड़े सिख समुदाय के अलावा जो भी हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और इस बावली को देखते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ का नज़ारा इतना शानदार है कि धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ खूबसूरती भी बहुत ही बेहतर खूबसूरत बनाया गया है क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर लोग अपना अरदास लेके अपनी मन्नत लेके यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आज हम भी अपनी पूरी टीम के साथ नानक माता पहुँचे थे जहाँ पर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे के साथ में, क्योंकि उस डैम का, इस सागर का नाम ही गुरु नानक देव जी के नाम से भी, क्यों गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, ठहरे थे और उनके हुक्म से भी ये पानी यहाँ तक आया था। उनके शिष्य मर्दाना जो पहुँचे थे, गंगा को बुलाया था उन्होंने अपने पास और यहाँ पर एक बावली है जैसे कि आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर आकर पानी, गंगा का जो पानी था वहाँ पर एकत्र हो गया था, यहाँ पर फिर एक बावली के रूप में तब्दील हो गया था क्योंकि सिख समुदाय का ये आस्था का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर अदब के साथ में सर पर रुमाल रखने के बाद ही इस बावली में जा सकते हैं। और दर्शकों को बता दूँ कि मैं यहाँ तस्वीरें खींचना भी अलाउ नहीं है क्योंकि एक धार्मिक स्थल है और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से समंदर है। पहाड़ों का जितना भी सारा पानी है यहाँ पर एकत्र होता है, यहाँ पर डैम के बाद पुल से होकर ये पानी यूपी, उत्तराखंड और नदियों में पहुँचाया जाता है। ये पूरी बावली है जो गुरु नानक जी के शिष्य मर्दाना जी गंगा नदी से पानी लेकर यहाँ तक आए थे और यहाँ पर पानी एकत्र हो गया था और बावली में तब्दील हो गई थी ये सारी चीज़ें यहाँ, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। लेकिन शानदार नज़ारा है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और अपने हाजिरी देते हैं। लेकिन इस समय बहुत ही शानदार दृश्य आप देख रहे हैं उत्तराखंड में। ये पूरी हिस्ट्री है इस बावली की जिसमें यहाँ पर दर्शाया गया है दर्शकों को, जो लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए उनको पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि यह कब से ये बावली स्थित है और क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे करके ये बावली बनाई गई थी। लेकिन मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध भी है कि एक बार नानक माता ज़रूर पहुँचें और जो गुरु नानक देव जी के
एक इतिहास की ये चीज़ें हैं, इनको ज़रूर देखें। जो ऐतिहासिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, उनको ज़रूर देखें। ये बहुत ही शानदार दृश्य आपको नज़र आएगा दूर तक, क्योंकि यहाँ पर इस समय धुंध है, धुंध की वजह से पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब मौसम साफ होता है तो उसके साथ साथ इस समुद्र के पार पहाड़ दिखाई देते हैं, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। मौसम साफ ना होने की वजह से पीछे जो पहाड़ हैं, नैनीताल, भीमताल, उत्तराखंड के जो भी पहाड़ हैं, वो साफ दिखाई देते हैं। बावली में लोग हमेशा आते हैं, जो नानक माता गुरुद्वारे में माथा टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, वो लोग यहाँ जरूर आते हैं। गंगा लैके तो गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी ने एक छड़ी दे के भेजा पहाड़ तो गंगा ली खिंचते हुए गंगा नदी ले गया। इतने आके पिछे मुड़ के देखा तो नदी इतें रुक गई जी। योगिया ने सारे यतन किए पर अगे ना गई, इतें रुकी रह गई जी। तो उसके लिए यहाँ पे एक बौड़ी साहब